सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है हिंदी, और आज हम हिंदी में पढ़ेंगे ए। कौन सा स्वर है ये ए? और यह आपका पेज नंबर है 21। यह आपका पेज नंबर है 21, और आज हम स्वर पढ़ेंगे ए। कौन सा स्वर? ए। तो बच्चों, आइए अब हम जानते हैं ए से क्या क्या होते हैं, पर इसके पहले एक बार आप मेरे साथ बोलिए ए ए। तो चलिए शुरू करते हैं। ए से एड़ी, ए से एड़ी, ए से एक, ए से एक, ए से एक तारा, ए से एक तारा। चलिए एक बार और हम पढ़ते हैं। ए से एड़ी, क्या है ये? एड़ी। ए से एड़ी, ए से एक, ए से एक, जिसे हम इंग्लिश में वन बोलते हैं। कौन सा नंबर बोलते हैं? वन। ए से एक, ए से एक तारा, ए से एक तारा। तो बच्चों, चलिए अब हम यह जानते हैं ए को हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम। तो बच्चों, सबसे पहले आपको इस स्टैंडिंग लाइन को ज्वाइन करना होगा। तो सबसे पहले हम ट्रेसिंग करेंगे, सबसे पहले इस डॉट्स को हम ज्वाइन करेंगे, फिर हम इस ब्लैंक पेपर पे अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस डॉट को ज्वाइन करते हैं। जो डॉट्स हैं इनको हमें ज्वाइन करना है, यानी हमें ट्रेसिंग करना है। तो सबसे पहले आपको इस स्टैंडिंग लाइन को ज्वाइन करना है, फिर इस स्लैंटिंग लाइन को हम ज्वाइन करेंगे। कौन सी लाइन है ये? स्लैंटिंग लाइन। सबसे पहले आप स्टैंडिंग लाइन को ज्वाइन करेंगे और फिर इस स्लैंटिंग लाइन को ज्वाइन करेंगे, फिर हम इस स्टैंडिंग लाइन को ज्वाइन करेंगे और फिर इस स्लीपिंग लाइन को। ये देखिए, जो छोटी सी स्लीपिंग लाइन है इसको हम ज्वाइन करेंगे, जो यहाँ थोड़ा सा कर्व है। ठीक है, तो इसके पहले हमें ये लाइन को ज्वाइन करनी होगी, स्टैंडिंग और फिर स्लैंटिंग। फिर हम इस स्टैंडिंग लाइन को ज्वाइन करेंगे और फिर थोड़ा सा कर्व और फिर इस स्लीपिंग लाइन को ज्वाइन करेंगे और फिर हम लास्ट में इस स्लीपिंग लाइन को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हम स्टैंडिंग लाइन, फिर अगेन स्लैंटिंग लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन, लिटिल बिट कर्व, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व है, एंड देन हमें स्लीपिंग लाइन को ज्वाइन करेंगे और फिर हम इस स्लीपिंग लाइन को ज्वाइन करेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से हम ए को ट्रेस करेंगे। तो आइए एक बार और हम जानते हैं। तो सबसे पहले आप इस स्टैंडिंग लाइन को, फिर इस स्लैंटिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन और फिर कर्व और फिर स्लीपिंग लाइन और फिर हम इस स्लीपिंग लाइन को ज्वाइन करेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से हम ए को ट्रेस करेंगे। तो आइए अब हम ये जानते हैं हम इस ब्लैंक पेपर पे कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको इस ब्लू लाइन से शुरू करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे जो इस ब्लू लाइन तक आएगी और फिर आप एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे जो इस ब्लू लाइन तक आएगी और फिर एक आप स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, थोड़ा सा कर्व और फिर छोटा सा स्लीपिंग लाइन और फिर आप एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम ए को ब्लैंक पेपर पे लिखते हैं। तो चलिए एक बार और हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन,
फिर एक स्लैंटिंग लाइन, और फिर एक स्टैंडिंग लाइन, थोड़ा सा कर्व, और फिर एक स्लीपिंग लाइन, और फिर हम एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे ऊपर से। तो बच्चों इस प्रकार से हम ए को लिखते हैं। तो बच्चों यह आपका होमवर्क है और यह आपका पेज नंबर है 22। यह आपका पेज नंबर है 22 और आपको ए लिखना है। तो पहले आप इसे ट्रेस करेंगे और फिर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो बच्चों यह आपका होमवर्क है।